नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के YouTube चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। कल तीन राज्यों के बंपर जीत के बाद, कल चार राज्यों के चुनाव के निर्णय आए। तेलंगाना में कांग्रेस और बाकी तीनों राज्यों में भाजपा छाई रही। अभूतपूर्व विजय मध्य प्रदेश में, राजस्थान में परंपरा बरकरार फिर बीजेपी सत्ता में, और छत्तीसगढ़ में एक ऐसा उलटफेर जो कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था। भाजपा की जीत यकीनन भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक हारने के बाद जो मायूसी छाई थी, उस मायूसी को हटाने के लिए एक ऐसी ही जीत की उम्मीद भाजपा को थी। अथक प्रयास, अथक मेहनत और संघ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो ताकत झोंकी, उसकी परिणति इस महाविजय में। इस महाविजय के बाद लोकसभा चुनाव में इसका परिवर्तन कैसा होगा? क्या इन तीन राज्यों को जीतने से कुछ टैली बढ़ेगी? इस पे बहुत सारा विश्लेषण हो चुका है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी के हेडक्वार्टर गए, उनका भव्य स्वागत हुआ, उनका भाषण हुआ, मोदी मोदी के नारे लगे, पूरा मोदीमय वातावरण था। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी के, सारे मंत्री कैबिनेट के श्रेय डॉक्टर मोदी जी को दे रहे थे। और उसके बाद मोदी जी का भाषण हुआ, जिसमें मोदी जी ने कहा कि तीन राज्यों की हैट्रिक जो हमने मारी है, वो मेरी 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। उन्हें बोलना था, मनोबल ऊपर करना था। लेकिन आज जिस पे हम बात कर रहे हैं वो तीन चीजों पे नहीं। ये जीत का जश्न यही रुका, और फिर आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन, लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत होते ही समझ में नहीं आया था कि ये दृश्य लोकसभा के है या बीजेपी के हेडक्वार्टर के, क्योंकि मोदी जी सदन में आने के बाद सदन शुरू होते ही लोकसभा के अंदर बीजेपी के तमाम सदस्य उठकर तालियों के साथ नारे लगा रहे थे, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, और ये नारे कंटिन्यू कुछ मिनट तक चलते रहे। लोकसभा के अंदर हर जगह की एक परंपरा होती है, हर जगह का एक महत्व होता है। मंदिरालय और देवालय में फर्क होता है, सदन में और पार्टी कार्यालय में भी फर्क होता है, पान की दुकान में और रेस्टोरेंट में भी फर्क होता है, हर जगह का व्यवहार अलग होता है। जिस हिसाब से एक भोंडा प्रदर्शन, जिसको साइकोफेंसी कहते हैं, कि एक मोदी जी को आप क्रेडिट दीजिए, बिल्कुल आपके नेता हैं, लेकिन सदन के अंदर जहां देश की समस्याओं पे देश के लिए नीति निर्धारण करना है, वहां जब तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, इसके एक प्री प्लान्ड ऑर्केस्ट्राइजेशन के तहत नारे लग रहे थे, और प्रधानमंत्री सामने बैठ के इसका आनंद लूट रहे थे। कोई भी विजय हो उसके साथ शालीनता होनी चाहिए। इसके पहले हमने कई अभूतपूर्व विजय पाते हुए राजनीतिक दल देखे हैं, लेकिन सदन की शुरुआत यदि इस विजय के साथ होती है तो अक्सर लोग एक दूसरे के टेबल पे जाके एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये भी हमने मंजर देखा है लोकसभा। लेकिन 400 से ज्यादा सीट लाने के बाद भी राजीव गांधी के टाइम पे ऐसा उन्माद कभी नहीं देखा गया, ना ऐसा उन्माद अटल जी की सरकार के समय भी देखा गया, क्योंकि तब बीजेपी चाल, चरित्र, चेहरा और पार्टी विद डिफरेंस थी।
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव लीडरशिप थी, एक सामूहिक नेतृत्व के तहत एक सामंजस्य था। क्या 2014 के बाद पार्टी की पूरी फिलॉसफी बदल गई है और एक किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द ही नेतृत्व और पार्टी इकट्ठा हुई है? मध्य प्रदेश में जो जीत हुई उसमें यकीनन संघ का सबसे बड़ा हाथ रहा। संघ साइलेंट काम करता रहा और बीजेपी किसी और के नाम के नारे सदन में लगाती रही। तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, ये जानते हुए कि पूरा देश इस टेलीकास्ट को देख रहा होगा, ये किसी भी व्यक्ति की आत्ममुग्धता की लिमिट है। चालीनता उसको कहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री उठ के सबको नारे लगाने से मना करते, कहते ये सदन है, सदन में वो बात करते हैं कि हम विपक्ष को साथ में लेके चलते हैं, अपने रैली में बात करते हैं विपक्ष को साथ में रखते हैं, लेकिन इस तरह से भोंडा प्रदर्शन करके, ये तो कॉलेज के चुनाव में भी कभी ऐसा नहीं होता। विपक्ष को एक प्रेशर में लाने की टेक्निक है, या फिर जो अंध भक्तों की एक फौज है पूरे देश में, उन्हें टॉनिक देने का काम ये नारे करते हैं, इसका विश्लेषण करना होगा। भाजपा के तीनों राज्यों की जीत यकीनन बड़ी जीत, लेकिन इस जीत के साथ शालीनता की जगह यदि उन्माद आ जाता, शालीनता के साथ साइकोफेंसी आती है, शालीनता के जगह अहंकार आता है, तो फिर वो अहंकार आने वाले बड़े पराजय की नींव भी डाल सकता है। ऐसा ही अहंकार कांग्रेस में भी था जब इंडिया इज इंदिरा बोला गया था देवकांत बारुआ द्वारा, और पूरे देश के गले ये बात उतरी नहीं, भले ही इंदिरा गांधी को देश चाहता था। और इसके बाद कांग्रेस का पानीपत हुआ, ये सारा देश चाहता है। घोषित आपातकाल लागू करने के बाद कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, ये कांग्रेस जानता है। अघोषित आपातकाल और घोषित आपातकाल की परिणति एक ही हो सकती है। उसके बाद विपक्ष ने जब सदन के अंदर प्ले कार्ड लेके विरोध शुरू कर दिया, नारे लगने शुरू कर दिए, तो स्पीकर महोदय ने उन्हें प्ले कार्ड अब इलीगल है, अंदर नहीं ला सकते सदन के, ये वार्निंग दी और सदन स्थगित हुआ। क्या लोकसभा में सवाल जवाब नहीं होंगे? क्या लोकसभा में देश के ऊपर चर्चा नहीं होगी? जो 143 करोड़ लोग अपने सांसद भेजते हैं चुनाव जितवाकर, वो या सिर्फ नारे लगाने के लिए भेजते हैं, ये भी सवाल है। दुर्भाग्य से ये भी देखना पड़ता है कि जो कद्दावर नेता है, जिन्हें पार्लियामेंट का लंबा एक्सपीरियंस है, जो पार्लियामेंट की परंपरा को अच्छी तरह से जानते हैं, जो अडवाणी जी, अटल जी के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, जो पार्टी की गरिमा के लिए जाने जाते हैं, वो भी लोग ताली बजा के नारे लगाते हुए देखते हैं, तो पता पड़ता है कि कितनी मजबूरी हो गई है तानाशाही प्रवृत्ति के सामने झुकने की, या किसी तानाशाही प्रवृत्ति को खुश करने के लिए इस हद तक उतरने। क्या जो बच्चे भविष्य इस देश का इस उन्माद को देख रहे होंगे, उनके ऊपर क्या काज गिरेगी? ये उन्माद ही आगे दंगों को निमंत्रण देता है। जब जीत पे ये पागलपन हावी हो जाता है, तो फिर कटाक्ष, और कटाक्ष के बाद
झगड़े शुरू होते हैं। सांसदों से पूरा देश एक सभ्य वातावरण निर्मिति के लिए देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, सभ्यता का रोल मॉडल देखते हैं। जिस पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, शास्त्री जी जैसे लोग बोल गए हो, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग बोल गए हो, पीएम मोदी जैसे लोग हो, जिनका विरोध भी एक सुखदायी विरोध हुआ करता था, इंदिरा जी जैसे नेत्री इधर थी तो अटल जी जैसा नेतृत्व उधर था। लेकिन कभी ऐसा उन्माद देखा नहीं गया। कल के बीजेपी की जीत के लिए यकीनन उन्हें बधाई देना चाहिए, हम भी उनको बधाई देते हैं। लेकिन जीत यदि इस जीत का उन्माद इतना हावी हो, एक भोंडे प्रदर्शन पे आप उतरते हैं और एक परंपराओं को ध्वस्त करते हैं और सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं, तो फिर वो शालीनता नहीं कहलाएगी। फिर ये चुनाव नहीं है, युद्ध है। ये फिर मतभेद नहीं, ये मनभेद है। क्या कर्नाटक की जीत के बाद ऐसे ही तालियां बजाते हुए विपक्ष ने भी प्रदर्शन किया था? क्योंकि इन तीन राज्यों से जीत के बाद भी लोकसभा के टैली में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी उतनी ही वस्तुस्थिति है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जितनी सीटें हैं उसमें से बहुतांश 90-95 या 98% सीट्स बीजेपी के पास है। आने वाले लोकसभा में वो फिर उनके पास जा सकती है, लेकिन क्या उससे कहीं और होने वाला घाटा पाटेगा क्या? सवाल ये है। या ऐसा ही उन्माद चलता रहा तो क्या जनता फिर आपको इस उन्माद के लिए भी, उन्माद करने के लिए भी फिर लोकसभा भी भेजेगी? ये सवाल इन चीजों का भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सोचते हैं, जो लोग पुरानी परंपराओं को मानते हैं, जो संघ की शाखा से तब के आए हैं, कम से कम उन्हें तो इस बात पे सोचना होगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा YouTube चैनल अजीत अंकित।